राजस्थान में तौकते, आज 5 जिलों में रेड अलर्ट, अति भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण पूर्वी अरब सागर की घाटी में उठे चक्रवात तूफान तौकते ने प्रदेश में प्रवेश करने से पहले प्रदेश में असर दिखाना शुरू कर दिया। इसके असर से सोमवार को डूंगरपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। डूंगरपुर के अलावा उदयपुर और झालावाड़ में बारिश हुई और वहीं ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी हुई। तौकते गुजरात तट से टकरा चुका है और अब मंगलवार रात को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से प्रदेश में प्रवेश करेगा। 18 और 19 मई को वो तूफान प्रदेश में तबाही मचा सकता है, जिसके चलते 5 जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। यहां 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है, साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पूरे प्रदेश पर रहेगा असर। अति सीवियर श्रेणी के इस तूफान का असर प्रदेश के सभी 33 जिलों पर पड़ सकता है। मंगलवार और बुधवार को असर सर्वाधिक रहेगा। थंडरस्टॉर्म के साथ आंधी, तेज हवा, बारिश हो सकती है। मंगलवार के लिए 5 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बुधवार को 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और मगर इसका असर व्यापक होगा। 20 मई को असर कम होगा। वहीं इस दौरान तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। इन जिलों में अलर्ट 18 मई 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, पाली, इनमें से 5 जिलों में अति बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, पाली, इनमें से 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। 19 मई अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, इनमें से 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अजमेर, नागौर, पाली। भीनमाल और सिरोही शहर के बीच से गुजरेगा तूफान गुजरात से डीसा से प्रदेश में जालौर के भीनमाल और सिरोही शहर के माध्यम से गुजरेगा। आबू रोड भी इसके नजदीक होगा, पाली भी इसके जद में होगा। बाड़मेर जिले में भी बारिश होगी। वर्तमान में ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम है। गुजरात तट पर आते ही इसे समुद्र से नमी मिलनी बंद हो गई, इससे ताकत कम हो गई। अब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम की कैटेगरी और फिर सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम से होता हुआ साइक्लोनिक स्ट्रॉम में कमजोर हो जाएगा। जोधपुर पहुंचते पहुंचते ये डीप डिप्रेशन में रहेगा और जयपुर संभाग में केवल डिप्रेशन के रूप में पहुंचेगा।